क्या कर रही हो? बिजनेस बिजनेस वर्क? हाँ, वो कुछ ऑर्डर आना था। अच्छा, और कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? अरे सब बढ़िया। कुछ लाऊं चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक? अरे तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, मुझे ऐसी पूछ रहा था। पता है मैं कल कॉलेज से कब आया आपको? कॉलेज से? हाँ, कल कॉलेज से। मैं पता है आपको कब आया? कब आया? कल मैं आते आते मुझे 10:30 बज गए कॉलेज से आने में। मैं भी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी रास्ते में, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि पूछो मत। कल 15 अगस्त था तो उसकी वजह से मेट्रो भी बंद थी, पूरी 10 बजे तक मेट्रो बंद थी, तो फिर मुझे बस लेनी पड़ी। 15 अगस्त तुम्हारा कॉलेज था? हाँ, मतलब गए थे ना वहाँ पे, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन था तो हम गए थे सारे, तो फंक्शन भी हो रहे थे वहाँ पे। तो फिर मुझे उधर से बस लेनी पड़ी और मैं बस से आया, मतलब भाई साहब पूछो मत, रास्ते में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक क्या बताऊँ मैं आपको। होता है। और अभी तो मेरे को उस दिन मीटिंग में जाना था। हाँ, तो 1.5 घंटा ट्रैवलिंग में लगा। अभी परसों मेरी अमित सर की क्लास थी, सुबह उन्होंने 8 बजे क्लास रख दी। अब मैं यहाँ से मुझे लगते हैं 2 घंटे जाने में। मैं 5 बजे निकला ताकि मैं कॉलेज पहुँच जाऊँ टाइम से। राजीव चौक पे इतनी ज़्यादा भीड़ की मुझे 4-4 मेट्रो छोड़नी पड़ गई। ठीक है, पहले टाइम मैनेज करना सीखो। नहीं तो अब भी 5 बजे तो मैं सो के उठा था, फिर सोचूँ 15 मिनट में मैं रेडी होके गया निकला कॉलेज के लिए। अब कितनी, और वैसे भी रात को पढ़ाई कम्प्लीट करके मैं 12:30 बजे सोया था। तो टाइम से करो ना, शाम को कम घूमा करो। घूमता कहाँ, जल्दी सो। कहाँ, एक्टिंग क्लास के लिए गया था मैं। 3 to 6 एक्टिंग क्लास थी मेरी और 3 बजे तक कॉलेज था। फिर मैं तो एक्टिंग क्लास में भी लेट पहुँचा था। जाते क्या हो ना, मत जाओ एक्टिंग क्लास। एक्टिंग क्लास मेरा पैसा नहीं, मैं एक्टिंग छोड़ दो। तो फिर ट्रैवल करना सीखो। अब भी समझा कर, अभी थोड़ी मुझे एक चीज़ की ज़रूरत थी। किस चीज़ की? मुझे मोटर बाइक चाहिए थी। क्यों? कॉलेज आने जाने के लिए। इसीलिए ये सारा कहानी बताई? कहानी कहाँ बता रहा हूँ मैं आपको, रियलिटी बता रहा हूँ। आप तो बिजनेस में लगे रहते हो, आप लेट से आते हो घर पे, फिर आप मेरे पे ध्यान, मतलब मुझे मेरे पे ध्यान नहीं दे पाते हो। ध्यान नहीं दे पाते, मतलब ध्यान तो देते हो बट आपको ये नहीं पता ना मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ, तो आप उस चीज़ से, आप तो अपने बिजनेस वर्क में लगे रहते हो। तो यार एक मोटर बाइक, लर्न गुड स्किल्स। क्यों चाहिए भाई? बस दी कॉलेज आने जाने। कितने साल हो गए कॉलेज जाते हो? अभी तो दीदी 1 साल हो गया ना, सेकंड ईयर में हूँ। पूरा 1 साल आज ही आया इतना प्रॉब्लम ट्रैवलिंग में? दीदी अब जाके अब प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अब क्लासेस सेकंड ईयर में हूँ तो अब क्लासेस ज्यादा हो गई है ना। फर्स्ट ईयर में तो चलो बच्चों की तरह नॉर्मल ऐसे निकाल देते थे, बट सेकंड ईयर में ऐसे निकल गया बच्चों की तरह फर्स्ट ईयर। हाँ, तो उसमें पढ़ाई कम होती थी, अब सेकंड ईयर में तो क्लासेस भी ज्यादा, पढ़ाई भी ज्यादा। बाइक पे होगी पढ़ाई? बाइक पे नहीं होगी, बाइक तो बस कन्वीनियंस के लिए चाहिए ना, आने जाने के लिए चाहिए। जल्दी उठो। अब कितना जल्दी उठूं मैं, 5 बजे तो उठता हूँ। तो 4:30 बजे उठो। 4:30 बजे सोना फिर मैं। तुम तो एक्टिंग क्लास छोड़ दो। एक्टिंग कैसे छोड़ सकता हूँ दी, आप भी आया ऐसी बात करते यार। मैं भाई कैसे दिला सकती, कैसी बात करते हो अनन्य। दी दिला, क्यों चाहिए भाई? बस एक बाइक दिला दो बस। क्यों? एक बाइक दिला दो दी प्लीज। तुम्हारी हंसी तो कुछ और बता। देखो 2 सालों से तो मैंने कुछ मांगा भी नहीं आपसे, यहाँ तक कि बर्थडे पे आपने गिफ्ट भी कुछ ऐसा वैसा तो दिया नहीं, आपने बस चॉकलेट दे दिया, बस हो गया। 70,000 का बर्थडे गिफ्ट होता है? क्या हो गया, आप अपने छोटे भाई के लिए इतना नहीं कर सकते? नहीं। मम्मी पापा के जाने के बाद आप ही तो जो डोंट यूज दैट। मैं नहीं दिला सकती आप। नहीं, प्लीज दिला। चाहिए क्यों? बस कॉलेज आने जाने के लिए चाहिए मुझे। 1 साल तो जरूरत नहीं पड़ा, सेकेंड ईयर में पढ़ाई बढ़ गया है। तो मेरे फ्रेंड वो जो अपना रोशन है ना, मेरा फ्रेंड, उसने उसके पापा ने भी उसको तो कार ही दिला दी, i20 दिला दी, पिछले हफ्ते दिलाई उसको i20। मैं तो फिर भी आपसे बाइक मांग रहा हूँ। मैं तो कॉम्पिटिशन में बिलीव नहीं करती। सच ही बताओ ना, क्या चाहिए? अब आपको क्या बताऊँ, बस ऐसे कॉलेज आने जाने के लिए चाहिए थी क्योंकि टाइम से पहुँच सकूँ मैं कॉलेज, और पहुँच सकूँ या पहुँचाना है किसी को। अब मुझे बात भी नहीं सुन रही हो। बोलो बोलो, अब मुझे ये भी तो ऑर्डर करना है, 4 करोड़ का पूरा डील करना है। ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूंगा उसमें। तो
तो करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, बट मैं आप भी जाओगी, तुम्हें तो बाइक भी चाहिए, बाइक का लोगे तो पता नहीं कभी घर आओगे। अभी तो मेरा एक साल में कंप्लीट भी हो जाएगा, सेकंड ईयर के लास्ट सेमेस्टर में हूं, एक साल में क्या नाटक है ना, क्यों चाहिए बाइक, सीधा बोलो नहीं, प्लीज एक बाइक दिला दो बस मुझे, एक बाइक चॉकलेट है क्या तीन, मैं बाइक ही तो सेंसेस क्यों चाहिए बाइक, मैं सोच रहा था कि मैं ताकि अपनी एक्टिंग क्लास भी अच्छे से कर सकूं और कॉलेज की क्लासेस भी अच्छे से ले सकूं, टाइम से पहुंच सकूं, मैं तो कुछ और ही सोच रही हूं, अगर तुम ये सोच रहे हो आप क्या सोच रहे हो फिर क्या टाका आप गलत वे में ले जा रहे हो बात को, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरी फ्रेंड है, कौन, मैंने तो कुछ भी नहीं उसे टाका बोला आप घुमा फिरा के बात को वहीं ले जाके जाओगे, मुझे पता था, पता था तो मत पूछो, मुझे बस बाइक दिला दो प्लीज, हां तो मैं तो पूछ रही हूं क्यों चाहिए, गिव मी वैलिड रीजन, किसी ने गाड़ी जल्दी खरीदे, शर्मा जी के चार स्टोर है, मेरा दो स्टोर है, चलता है मेरे को, ठीक है तो आपके दो तो है ना एटलीस्ट, हां तो तुम्हारे पास मेट्रो तो है, एटलीस्ट करोड़ों की गाड़ी मेट्रो मेट्रो से प्लीज दे दिला दे यार, मैं आपके पैर पकड़ रहा हूं, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए प्लीज दे दिला दो, क्यों चाहिए, बस दे दे कॉलेज आने लाने के लिए, आप ऐसा मत सोचो यार दीदी, मेरी बस वो फ्रेंड है, और कुछ गुजर चुके हो ना, और कुछ नहीं है, फ्रेंड के लिए मैं सबसे ज्यादा क्यों इन्वेस्टमेंट, उसके लिए थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं तो अपने लिए मांग रहा हूँ ताकि मैं कॉलेज टाइम से जा सकूं, एक साल से कैसे करे कॉलेज, एक साल से कह तो रहा हूं क्लासेस मेरी लेट तक नहीं होती थी, अब तो मेरी क्लासेस 6-6 बजे तक चलती हैं, तो आपकी क्लास छोड़ दो, नॉट ओनली इरिटेटिंग, प्लीज दिला दो, नो नो यार, इतना इतना लड़के पता नहीं कुछ भी करते हैं कॉलेज में, तुम एक दिन पी के चलाओगे, आई केयर फॉर यू यार, इट्स रिस्की, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं, मैं अब तो मेरी जरूरत क्या है, कमाओ खरीद लो बाइक, अभी एक साल का तो टाइम है, आई रियली केयर फॉर कॉलेज तो खत्म होने, मेट्रो इज रियली सेफ, आई कैन नॉट बाय अ बाइक, नो इट्स नॉट हैपनिंग, नहीं हो रहा यार, मेरी एज हो गई है यार, अब एज हो गई तो कमाओ फिर, नहीं ठीक है बट कॉलेज तो खत्म हो तब तो कमाऊंगा, मेरे पास कुछ डिग्री होगी, तो मत करो एक्टिंग कोर्स, डू सम इवनिंग जॉब, आओ काम पे बैठो, गल्ले में बैठो, गल्ले पे मैं बैठूंगा, ये कहां कह रहा हूं, आखिरकार आपके बाद तो मेरा ही है, जयपुर वाला एस्टेब्लिश करो ना, हम दो ही लोग घर में रहते हैं, हां I cannot afford, मैं इतना टेंशन लूं कि तुम जाओ, तुम बाइक लेके जा रहे हो, तुम कहां ही जाओगे, एक लड़की का पाला और तुमने पाल लिया, वो मेरी बस फ्रेंड है और कुछ नहीं, आप समझ नहीं रहे हो, आप बात को दूसरी वे में ले जा रहे हो, मैं मेरी बस फ्रेंड है, उसको पता तुम्हारा खानदानी बिजनेस क्या है, हाँ उसे पता है, ऐसी लड़कियां मैंने बहुत देखी है, बहुत को एम्प्लॉय करा, बहुत को निकाला, ऐसा कुछ मत बोलो यार, वो बहुत ही सेंसिबल लड़की है, आप जैसे सोचते हो यार, अपनी सोच को उसके ऊपर क्यों डाल रहे हो, आप बोल रहे हो मैं उसके लिए बाइक मांग रहा हूँ, मैं तो खुद के लिए बाइक मांग रहा हूँ, मैं नहीं दिला, ऐसा मत कर दीदी प्लीज यार, एक बाइक तो दिला दो दी प्लीज यार, मैं क्या मांगता हूँ यार, दो सालों में दो सालों में मैंने आपसे कुछ मांगा भी नहीं यार, यहाँ पे कुछ और आप लैपटॉप नहीं दिला सकते यार, बाइक नहीं दिला सकती मैं, क्या फिर क्या दिला सकते यार, क्या 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 इसका टेंशन ही ले सकती कि तुम बाइक पे जाओगे भी, दोस्त हो जाएंगे कुछ घूमोगे उनके साथ, नहीं पता नहीं यार क्या क्या करोगे बाइक पे, कहाँ यार अभी एक साल कॉलेज जाते हुए, जाओ यहाँ से अनन्या, मुझे बात ही नहीं करनी, उठो उठो अनन्या, आप नहीं दिला रहे फिर यहाँ से, उठो नहीं दिला रहे आप, नहीं यार एक बाइक तो दिला सकते यार, ड्रामा नहीं अनन्या, मैं ड्रामा कर रहा हूँ यार, मैं आपको लगता है मैं ताकि मैं आप खुद के लिए मांग रहा हूँ ताकि मैं क्लासेस सही से जा सकूँ, मैं अपने पैशन को कर सकूँ आगे, मुझे नहीं चाहिए पैशन का ना तुम्हारा, हाँ। तो कैसे भी जाओ, कितने एक्टर तो कहाँ कहाँ रहते हैं भाई, ठीक है बट हम उनका उनका एक लेवल होता है, हमारा भी एक लेवल है, ठीक है हमारा भी लेवल है, हम एक बाइक अफोर्ड कर सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हो, खरीदी होना नहीं दूंगी, तो मैं मर्सिडीज थोड़ी मांग रहा हूँ, मुझे कुछ सुनना ही नहीं है ना,